हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना NEFT और RTGS फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप NEFT और RTGS करवा रहे हैं बैंक जाकर, उसका फॉर्म आप इस तरह फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने टॉप पर ब्रांच का जो नेम है वो लिख देना है, जैसे कि मैंने लिखा है 10 फेस ब्रांच, और के आगे आपने इन फेवर ऑफ जिनको आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है उनका नेम लिख देना है, और उसके नीचे उनका अकाउंट नंबर लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पर कितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है, कितनी भेजनी है वो लिख दीजिए। इसके बाद आपको बैंक कमीशन लिखनी है, यानी कि बैंक चार्जेस जो लेता है वो आपको बैंक एम्प्लॉय बताएगा। बैंक चार्जेस अलग अलग होते हैं अलग अलग अमाउंट पर, उसका भी जो है चार्ट आपको मैं बता दूंगा। और यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देनी है बैंक चार्जेस ऐड करके। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप अपना जो चेक लेकर जाएंगे साथ में, उसमें जो अमाउंट लिखनी है वो चार्जेस ऐड करके अमाउंट लिखनी है। और इसके बाद आप यहाँ पर आपने जो जिस अकाउंट से आपने अमाउंट सेंड करनी है उसकी डिटेल्स डालनी है, यानी कि आप अपने अकाउंट का अकाउंट नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, और आपका जो नेम है अकाउंट में वो डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने कितनी अमाउंट सेंड करनी है वो डाल दीजिए। और उसके बाद जोन से अकाउंट में आपने अमाउंट सेंड करनी है उनका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ राइट साइड में आ जाइए, यहाँ पर भी अमाउंट इन फिगर्स डाल दीजिए, और उसके बाद कमीशन आप लिख दीजिए अमाउंट इन फिगर्स, और उसके बाद टोटल कर दीजिए, कमीशन और अमाउंट को टोटल करके लिख दीजिए। इसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पर लिख दीजिए, जितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है वो वर्ड्स में लिख दीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे रेड कलर में जहां सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद आपने जिस अकाउंट में पैसे भेजने हैं और जिस बैंक में पैसे भेजने हैं वो लिख दीजिए। जैसे ICICI बैंक में भेजने हैं तो ICICI बैंक भी लिख दीजिए, और उस बैंक का IFSC कोड लिख दीजिए। जहां पर अकाउंट है उस बैंक का IFSC कोड यहां पर लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, एंटर योर मोबाइल नंबर।
और यहाँ पर आज की डेट डाल दीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह हम NEFT RTGS फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, पूरा फॉर्म मैंने फिल करके दिखा दिया है आपको। आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर फिल कर सकते हैं NEFT RTGS फॉर्म। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।